कैरम बॉल के जनक मिस्ट्री स्पिनर के नाम से मशहूर हुए श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मेंडिस ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेला था। 34 साल के मेंडिस को उनकी रहस्यमय गेंदबाजी के लिए जाना जाता था। शुरुआती करियर में उनको खेल पाना अच्छे बल्लेबाजों के लिए मुसीबत साबित हुआ था। वेस्टइंडीज के खिलाफ अप्रैल 2008 में पदार्पण करने वाले इस ऑफ स्पिन गेंदबाज ने अपने देश के लिए 19 टेस्ट, 87 वनडे इंटरनेशनल मैच और 39 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। मेंडिस ने अपने 7 साल के करियर में 70 टेस्ट विकेट लिए। वहीं वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल मिलाकर उनके खाते में 218 विकेट हैं। अपने डेब्यू के साथ ही मेंडिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सनसनी मचा दी थी। टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 8 विकेट झटके थे। वहीं पहले वनडे इंटरनेशनल में 3 और पहले T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 4 विकेट झटके थे। एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ अजंता मेंडिस ने 6 विकेट सिर्फ 13 रन देकर निकालकर टीम को हार के लिए विवश कर दिया था और तभी से मेंडिस विश्व पटल पर छा गए थे। समय के साथ हालांकि दुनिया भर के बल्लेबाजों ने मेंडिस की मिस्ट्री की काट निकाल ही ली, जिसके कारण वो बेअसर साबित होने लगे। संन्यास लेते वक्त मेंडिस एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम लेते जा रहे हैं। वो रिकॉर्ड है वनडे में सबसे तेजी से 50 विकेट लेने का। ये रिकॉर्ड अब तक अजंता मेंडिस के ही नाम है। उन्होंने 19 मैचों में 50 विकेट पूरे किए थे। भारत के अजीत अगरकर और न्यूजीलैंड के मिचेल मैकलेगन 23 मैचों में विकेटों का अर्धशतक पूरा कर दूसरे स्थान पर हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें और इंडिया।